नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फोविल्स में। तो कुछ दिन पहले, एक्चुअली कुछ महीने पहले 2021 को TVS लॉन्च करती है अपनी राइडर 125 और इसी के साथ TVS एंटर करती है 125cc के अंदर। वैसे इस सेगमेंट में होंडा, हीरो, बजाज और KTM पहले से ही आ चुकी थी, पर इसके बावजूद राइडर 125 TVS को एक अच्छी खासी सेल दे रही थी। अब TVS लेके आने वाली है द न्यू फियरो 125, जो कि राइडर 125 पे ही बेस्ड होगी। अब आप सभी को हमारी तरह लग रहा है, क्यों? अगर राइडर 125 का सेल्स ठीक ठाक है तो क्या ही जरूरत थी, गजब बेइज्जती है। तो यही जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा बिना स्किप किए। पर उससे पहले, अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए इसी तरीके की वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी बताया, राइडर 125 का सेल काफ़ी बढ़िया है इसके सेगमेंट के हिसाब से। तो सवाल आता है, फिर से और एक 125cc का बाइक क्यों? तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा राइडर 125 के बारे में। तो जैसे आप सभी को पता है, TVS की राइडर 125 आता है न्यू जेनरेशन लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ, जिसमें हमको मिलता है 124.8cc का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करती है 11.2 HP पावर और 11.2 Nm मैक्स टॉर्क। साथ ही 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ 99 KMPH की टॉप स्पीड भी इसमें देखने को मिलती है। वैसे टॉप स्पीड 99 KMPH से ज़्यादा ही देखने को मिलता है। अब दोस्तों, 125cc है तो माइलेज की भी थोड़ा एक्सपेक्टेशन रहता है। तो 67 KMPL की तगड़ी माइलेज मिलती है राइडर 125 में। इसका कर्व वेट है 123 kg और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 L का। फुल टैंक के साथ इसमें अराउंड 670 km की राइडिंग रेंज भी मिलती है। बाकी डिज़ाइन की अगर बात किया जाए तो इसमें फ्रंट में LED हेडलैम्प, रियर में LED टेल लैम्प और LED इंडिकेटर्स मिलता है, यानी कि ऑल LED लाइटिंग के साथ आता है राइडर 125। साथ ही एक 5 इंच का डिजिटल डिस्प्ले भी आता है। एडिशनल फीचर्स में 2 राइडिंग मोड्स भी मिलता है, एक इको और दूसरा पावर मोड। साथ ही ब्लूटूथ सिस्टम, वॉइस असिस्ट फंक्शन, नेविगेशन, इनकमिंग कॉल एंड मैसेज नोटिफिकेशन और USB चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। और एक खास बात, इसमें हमको अंडर सीट स्टोरेज मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया है। तो फीचर्स के मामले में TVS की राइडर 125 बहुत आगे है। तो फिर से आता है वही सवाल, क्यों? तो फियरो 125 का लॉन्च करने की मेन रीज़न है TVS अब 125cc के सेगमेंट में अपनी पकड़ और भी मजबूत करना चाहती है, क्योंकि राइडर 125 जैसे आता है मॉडर्न लुक के साथ, वही द न्यू फियरो 125 आएगी रेट्रो लुक के साथ। अभी जो स्पाई फोटोज निकल के आई है उसके मुताबिक इसमें हमें राउंड LED हेडलैम्प मिलने वाली है। साथ ही सिंगल पीस सीट राइट पैटर्न के साथ आएगी और रियर व्यू मिरर्स भी सर्कुलर शेप का दिया गया है। रियर में जो फेंडर आता है उसे काफ़ी छोटा किया गया है और ग्रैबरेल को भी काफ़ी चंकी लुक दिया गया है। बाकी एक मस्क्यूलर फ्यूल टैंक आता है फियरो 125 में। टॉल हैंडल बार और सेंटर सेट फुट पेग्स की पोजीशन काफ़ी कमाल की होने से आपको एक कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर मिलने वाली है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलेगा। साथ ही ये बाइक CBS यानी कि कॉम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आएगी। प्राइस और लॉन्च डेट की अगर बात किया जाए तो TVS की तरफ से ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं आया है, पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बाइक का प्राइस होगी अराउंड 82,000 एक शोरूम दिल्ली, और लॉन्च डेट शायद मिड जून के अंदर ये बाइक इंडिया में आ जाएगी। तो आज का ये वीडियो इतना ही, पर मुझको अभी भी लग रहा है कि आप लोगों के मन में अभी भी एक सवाल है, क्यों? तो पूरा जवाब आपको मिलेगा लॉन्च होने के बाद, और साथ ही हमारे चैनल पे और इंस्टा पे अपडेट ज़रूर आएगा। वैसे FB और इंस्टा का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, हमें फॉलो कीजिए इसी तरीके की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, साइनिंग ऑफ।